तो दिल्ली में आज दशहरा देखने कहां जाए, इस ब्लॉग से आपकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो जाएगी। इतना सुंदर मेला जहां आपको इतने सारे झूले, खाने पीने के स्टॉल्स और साथ ही देखने को मिलेगी संपूर्ण रामलीला और रावण दहन भी। तो ये मेला कहां लगा है ये तो आप ब्लॉग देखेंगे तभी आपको पता चले। लेकिन हाँ, इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आप यहाँ जाते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करें। तो मेले के बारे में जानने के लिए ब्लॉग के साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यार इन्होंने चाउमीन लिया है खाने के लिए। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह का टाइम है और आज है अष्टमी पूजा और आज हम जल्दी उठ गए। वैसे तो हमें 5 बजे उठना था लेकिन अभी 6:30 हो रहे हैं तो अभी हम सारे रेडी हो रहे हैं। तो पूजा करनी है जिसका व्रत है वो तो सोया पड़ा है। तो मैंने लगाई है मुल्तानी मिट्टी क्योंकि आज मुझे हेड वॉश करना है। तो मैंने शैम्पू बॉयकॉट कर दिया हमेशा के लिए तो कर ही दिया। अब देखो अगर बाई चांस कभी अवेलेबल ना हो मुल्तानी मिट्टी तो यूज करूंगी वरना नहीं करूंगी। तो चलो अब करते हैं आज अष्टमी पूजा। तो फटाफट से रेडी होते हैं पूजा के लिए और फिर साफ सफाई तो कर लिया हमने, खाना बन रहा है, आलू और छोले जो है वो हमने चढ़ा दिए मतलब, और उसकी आलू की बनाएंगे सब्जी और बनाएंगे काले छोले, हलवा और पूड़ी। तो यार मैं रेडी हो चुकी हूँ ना के और अब बनाने की बारी है खाना। तो जो भोग लगेगा ना वो खाना बनाएंगे और ये भी यहाँ उठ चुके हैं और सारा काम वैसे इनको करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो हलवा पूड़ी छोले में से सबसे इजी है बनाना छोले। तो छोले हमने रात को भिगो दिए थे और उसको लगाई कुकर में सीटी। यहाँ पे मैंने तेल डाला और जीरा डाला और डाले छोले। ऊपर से मसाले में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे धनिया पाउडर। तो हमें पूजा करनी है, कंजके करनी है तो इस वजह से यहाँ पे मसाले बिल्कुल कम और नाम मात्र ही डाले हैं। यहाँ पे मैंने डाला है नमक और अब बस हमारे छोले ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको हल्का हल्का पकाना है। तो हमारे छोले बनके तैयार हो चुके हैं। यहाँ अब सब्जी बनाने की तैयारी हो रही है आलू की। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है और देसी घी के अंदर मैंने डाला जीरा, सौंफ और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हींग। तो हींग का तड़का मारने से आलू की सब्जी में दम आ जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले पीसे थे वो डाले हैं, तेजपत्ता डाला है और टमाटर की प्योरी डाली है। तो अभी ये ग्रेवी कुछ इस तरह से लग रही है और पकने के बाद देखना कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है सब्जी के अंदर और अब देखो इस ग्रेवी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आप चाहो तो इसके अंदर दही भी डाल सकते हो, उससे और भी ज्यादा टेस्टी बनती है सब्जी। और यहाँ पे हमारे उबले हुए आलू, यहाँ पे हमारा आलू बन रहा है और इस वाली कढ़ाई में पूड़ी बन रही है। यहाँ पे मम्मी बना रही है पूड़ी, मतलब पूड़ी की तैयारी हो रही है। यहाँ पे हमारा हलवा बन रहा है, तो पापा काट रहे हैं ड्राई फ्रूट हलवे में डालने के लिए। तो कंजके हो चुकी है और अब हम खाएंगे हलवा पूड़ी और छोले। और मुझे वाकई में बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही है और नींद भी आ रही है। तो चलो प्रसाद खाते हैं और फिर मैं तो सोऊंगी आराम से क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। मैंने अपना खाना ले लिया है और उनका व्रत था और वो इतने बुरे हैं, मुझे लगा कि वो खाना नहीं खाया उन्होंने अभी तक,
और मैं इतनी देर से उनका वेट कर रही थी, बाद में पता चला वो खा के जा भी चुके हैं। तो बहुत मतलब इंसान। और बाकी आज खाने में है छोले, हलवा, आलू की सब्जी, रायता और पूड़ी। बिल्कुल नहीं रखनी मुझे दूरी, तो मुझे भूख लग रही है, खाना खा के फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। खाना खा लिया है और ये वापस आ चुके हैं। इनके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा था, क्योंकि जब मैंने इनको कॉल करके पूछा ना कि खाना मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ साथ में खाएंगे, तो कहते मैं तो खाजी का हूँ, भूखा तो रुक नहीं सकते थे, मैं भी तो भूखी थी। था तो भाई है, किसके आगे 9 दिन बाद हलवा पूरी आलू की सब्जी रायता हो छोड़े। बढ़िया वैसे कैसा लगा इतने दिनों बाद खाना खा के? इतने मजा आया दिनों ना? बाद बेड पे सोऊंगा। इतने दिनों से ये जमीन पे सो रहे थे, आज ये बेड पे सोएंगे। तो इन्होंने पूरा वो करा था, लेकिन आज बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि आरती के टाइम ये लड़ाई कर रहे थे सबसे। बोलो बोलो, कर ही रहे थे। इतना भी चिड़ोकला नहीं होना चाहिए किसी को। दादी बहुत ज्यादा, 6 बजे उठ गए थे हम, और 6 बजे से हम सारे काम कर रहे हैं, तो सभी सोएंगे। और पूरी खाने के बाद तो उसका नशा ही अलग होता है। तो 1-1.5 घंटा सोने के बाद मैं उठी, और मेरा एक्सरसाइज करने का 2 दिन से बहुत मन कर रहा था, मेरा वर्कआउट हो नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वर्कआउट करने का अच्छा मौका है, सब सो रहे हैं और घर में बिल्कुल शांति माहौल है। तो यहाँ पे मैंने अपना वर्कआउट शुरू करा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बर्पीज करी 10। बर्पी करने के बाद यहाँ पे मैंने नी अप्स करे, तो ये मैंने करे 25 काउंट्स एक लेग से और दोनों पैर से, टोटल 50। नी अप्स करने के बाद मैंने यहाँ पे अल्टरनेट नी अप्स करे, जो कि करे मैंने 50, 50 के 4 राउंड्स करने हैं आपने। ये सारी एक्सरसाइज आपने 4 टाइम्स करनी है। फिर बारी आती है स्क्वाट्स की, तो स्क्वाट्स मैं नॉर्मली करती रहती हूँ, और यहाँ पे मैंने नॉर्मल स्क्वाट्स करे 25 काउंट्स, अगेन 25 के 4 राउंड्स। और ये सारा है प्रेगनेंसी वर्कआउट। अगर आप ये वर्कआउट करते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर वो हरी झंडी दिखाता है तभी आपने ये वर्कआउट करना है, वरना नहीं करना। तो अगर आप ये वर्कआउट करते हो जो मैंने अभी करा है, तो इसका आपने, जैसे मैंने ये पूरा राउंड करा ना, इसी राउंड को आपने 2 से 3 बार और रिपीट करना है। तो अभी मैं 3 टाइम्स कर चुकी हूँ, एक बार और करना है। तो ये है मेरा आज का कार्डियो वर्कआउट, और फिर इसके बाद करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब डंबल्स के साथ वर्कआउट करेंगे। और बीच बीच में पानी पीते रहिएगा, और अगर आपको अनईजी फील हो या पेट में कहीं भी दर्द फील हो या स्ट्रेच फील हो, तो वर्कआउट को क्विट कर देना। वैसे तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कार्डियो के 4 राउंड्स करने के बाद यहाँ पे मैं अपना आर्म्स का वर्कआउट कर रही हूँ। तो मेरे घर पे डंबल्स पड़े हुए हैं, 2-2 केजी के डंबल है, तो मैं इसी से आर्म्स का वर्कआउट करती हूँ, ताकि मैं जब कम बैक करूँ आफ्टर प्रेगनेंसी तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, और वर्कआउट रेगुलर करने से डिलीवरी में भी आसानी होती है। तो यार मेरा वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, और यहाँ पे मैंने मौसमी भी खा ली है। तो वर्कआउट के बाद मौसमी खा ली है, अब हलवा छोले खाऊंगी या फिर खाली छोले खाऊंगी। तो मेरी पोस्ट वर्कआउट मील भी हो गई है, तो आगे देखेंगे आज क्या करना है, क्योंकि आज मेला भी है और दुर्गा पूजा भी देखने जाना था, और कल दशहरा भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। फेस्टिवल्स की ना बात ही कुछ अलग होती है। और बाकी मैं आपको बताऊँ, जो हम मुंह पे क्रीम लगाते हैं ना, जिसमें कोलेजन होता है, तो उससे बेटर है कि आप विटामिन सी रिच फ्रूट्स आप खा सकते हो, जैसे नींबू पानी आप पी सकते हो, मौसमी खा सकते हो, संतरा खा सकते हो, उसमें कोलेजन होता है, जिससे आपकी स्किन जो है ना वो यंग दिखती है हमेशा और ग्लो करती है। तो इसलिए मैं हमेशा मौसमी, संतरा, ये सब चीजें खाती हूँ, तो ध्यान रखो। अरे छोटे छोटे बच्चे सुबह कंजक कंजक करके आए थे ना, पहले मैं भी जाती थी। तो अपनी कमाई यहाँ बताओ कितनी हुई है? मेरे 721, 481। ये कम कैसे लगी? 451। ये कैसे ज्यादा हो गया भाई? इसने गेम खेली है तुम्हारे साथ, बताया नहीं तो एक्स्ट्रा चली गई। हैं कहाँ से वाला कहाँ था यार? उधर का। तो यार जहाँ पे ना
पैसे ज्यादा होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमारे कहीं ज्यादा पैसे मिलते हैं या गिफ्ट अच्छे मिलते हैं तो हम सोचते हैं ना उनके घर जरूर जाना है ना, होता है ये अच्छी कमाई होता है हाँ? कि मेरे को ही होता था, सब बच्चों को ही होता है ना ऐसा कि उनके यहाँ गिफ्ट अच्छे मिलते हैं वहां चलते हैं, ऐसा मेरे साथ भी होता था। क्या मिला गिफ्ट में चाची? टिफिन क्या? तो यहाँ चिड़िया उड़, बटरफ्लाई उड़, तितली उड़, अबे इस बात पर क्या, भैंस उड़, तोता उड़, चिड़िया उड़, मैना उड़, कोयल उड़, भैंस उड़, तोता उड़, चाची उड़। मैं करती हूँ पापा की परी। चिड़िया उड़, चिड़िया का बच्चा उड़, चिड़िया के पापा उड़, तोता उड़, तोता की बेटी उड़, हाथी उड़। ये हाथी उड़ाएगा, आउट आउट। नेक्स्ट चिड़िया उड़, तोता उड़, बाल उड़, बाल उड़ते तो है, कपड़े उड़, शर्ट उड़, हाथी उड़। ये तो यार ये हमारी बिल्डिंग में देखो प्लांट जो जा रहा है बिल्कुल नीचे तक, और देखो नीचे तक फैला हुआ है पूरा प्लांट। छोले और हलवा कौन कौन अगले एक दो दिन तक खाता है? तो मुझे तो बड़ा पसंद है यार हलवा और छोले खाना, स्पेशली छोले खाना, तो अभी मैं वही खा रही हूँ। हलवे की मात्रा थोड़ी कम है और छोले की थोड़ी ज्यादा, तो यार हमारे घर में छोले और हलवा ना आज ही खत्म हो जाएंगे, तो अगर आपके घर में हो तो भिजवा देना हमारे घर। हो चुकी है और मैंने डिनर कर लिया है, मतलब हम सबने ही डिनर कर लिया है, और देखो मैं फिर से सूट वूट पहन के रेडी हो चुकी हूँ, मतलब मैंने कुर्ती पहनी है वापस से, क्योंकि वो दो तीन दिन से मुझे बोल रहे थे कि मेरे साथ चल, मेरे को रामलीला देखनी है, रामलीला देखनी है, तो फिर इसलिए हम दोनों फिर से जा रहे हैं रामलीला देखेंगे। और मेले से मुझे कप भी लेके आने हैं, क्योंकि मम्मी को मैंने जब वो व्लॉग दिखाया था तो उन्होंने कहा कि कप ले लो, कप अच्छे लग रहे हैं, तो कप की शॉपिंग करेंगे और फिर से मेला घूमेंगे और रामलीला देखेंगे, तो चलो चलते हैं। और वैसे भी कल दशहरा है, अब ये रामलीला हमें अगले साल देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मिस नहीं करते। तो यार इस समय हम पैसिफिक मॉल आए हैं और पैसिफिक मॉल की पार्किंग से अभी हम मेला देख रहे थे, और इतना सुंदर लग रहा था ना मेला यहाँ से। और अगर किसी को रावण दहन देखना होना है तो पैसिफिक मॉल की पार्किंग से देखना, कुछ ज्यादा मजा आएगा। हाँ तो आपको ज्यादा मजा आएगा। यार हम इतनी देर से लिफ्ट के बाहर खड़े, इतनी स्लो लिफ्ट मैंने कहीं भी नहीं देखी है सच्ची में, बहुत ज्यादा भीड़ है और सारे लोग यहाँ पे पार्क करने आए हुए अपनी स्कूटर गाड़ियां ना। तो ये दशहरा मेला लगा है NSP के अंदर पैसिफिक मॉल की बैक साइड पे, तो यहाँ पे मेले में एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री है, चार्जेस आपके फूड के लगेंगे और स्विंग्स के लगेंगे, क्योंकि क्यों ही नीचे जाना, यहाँ से इतनी अच्छी रामलीला दिख रही है ना ऊपर से, इतना यहीं से अच्छा लग रहा है, यहीं से देख के चलते हैं। सामने रामलीला हो रही है, क्लियर दिख रही है, लोग नीचे झूले झूल रहे हैं, तो क्या करें यार थोड़ा नीचे जाके, वहाँ सामने चन्ना मामा है, इतना अच्छा लग रहा है। और अगर आप दशहरा मेला देखने जा रहे हैं तो टाइमिंग्स है 8 बजे, और आज रश बहुत ज्यादा होगा, तो बहुत ही ध्यान से जाएं और अपने बच्चों को संभाल के रखें, और बाकी बहुत एंजॉय करेंगे आप, बहुत ही अच्छा और डिसेंट सा मेला है। आने के यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, फूड स्टॉल्स हैं, बाकी आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर झूले लगे हैं, और देखने को मिलेगी आपको संपूर्ण रामायण, और साथ ही साथ आप देखेंगे रावण दहन। लास्ट व्लॉग देखोगे ना उसके अंदर भीड़ है ही नहीं, और आज भीड़ इतनी ज्यादा है ना, चलते चलते भी चला नहीं जा रहा, कितना ज्यादा रश है। और लास्ट व्लॉग में देखना कितना खाली पड़ा था ये मेला। तो अब इनके 9 दिन के व्रत थे नवरात्रों के, और कुछ ऐसा हाल यहाँ पे भीड़ को देख के आप समझ सकते हो कि आज बहुत सारे लोगों का व्रत खुला है, तो समझ सकते हो आप फूड स्टॉल पे सबसे ज्यादा भीड़ है, नंबर ही नहीं आ रहा। तो यार इन्होंने चौमिन लिया खाने के लिए, तो मैं तो चौमिन नहीं खा सकती, और वैसे भी मैं नहीं खाती क्योंकि चौमिन के अंदर होता है आरारोट, तो आरारोट मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए वैसे तो जंक फूड मेरे लिए ठीक है ही नहीं।
क्योंकि इनको आप देख सकते हो कितनी खुशी हो रही है इनको। उन्होंने पिज्जा लिया है लेकिन वो भी आप ही खाओगे आधे से ज्यादा, मैं एक पीस खाऊंगी। तो लास्ट टाइम भी हम रामलीला देखने आए थे, संपूर्ण रामलीला होती है यहाँ पे, तो हमने इसीलिए बीच में से कंटिन्यू करा। और रामलीला जो है वो साधन है जो जिसके द्वारा आप अपने बच्चों को अपने अध्यात्म से जोड़ सकते हैं, तो जरूर 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 आए रामलीला देखने के लिए। तो हम घर वापस जा रहे हैं, रास्ते में है तो रामलीला भी हमने देख ली और मुझे ना बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो इनको रामलीला देखनी थी तो हम काफी देर तक रुके। इन्होंने कहा रावण मरेगा तभी घर जाएंगे, लेकिन मैं अभी फिर फोर्स कर करके इनको लेके आई हूँ, रावण अभी भी मरा नहीं था। तो चलो अब मैं श्लोक को एंड करती हूँ, कल मिलेंगे रावण वाले व्लॉग में। तो कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी रावण, काफी सारे रावण। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।